stare in un'altra forse, che era una arsenca mosca, tanto era che forse, assoluta, di che stava in un'altra forse, बीए सेमेस्टर थ्री सी 304 उसमें आपकी जो कहानी है पहली सॉरी एकांकी सात श्रेष्ठिकांत उसमें पांचवें एकांकी का पहला भाग इत्तेफाक बताना ही चाहिए मैं बताती हूँ कि पहले मैंने बनाया था पर वो मोबाइल की कुछ कमियां टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं आ सका इसीलिए दूसरा भाग आ गया तो पहला भाग मैं आपको फिर से बनाकर भेज रही हूँ शांति से सुन तो मित्रों जो माँ एकांकी का मुख्य पात्र है मनीषी मनीषी कमला मौसी और पति बादल और उनके डॉक्टर जो है और उसकी सखी है जो मंजू बराबर एक ही पांच पात्रों के जरिए एकांकी उनकी हुई अभिनंदन मित्रों एकांकी कैसी है मनोवैज्ञानिक इसमें विष्णु प्रभाकर ने कोई मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है पर मन की स्थिति को उजागर किया है मनीषी दुबली पतली लड़की है एकांकी का आरंभ होता है वो पलंग में लटी हुई है डॉक्टर मासा जो कमला मौसी के पति है जो उनको देखने के लिए आते हैं और सभी जगह चीजें चेक करते हैं उसका हृदय देखते हैं पेट देखते फिर कहते हैं मनीषी की तो कोई बीमारी नहीं है वो तो सिर्फ बहाना करके बीमारी का पड़े है घूमना चाहते हाँ उसके मस्तिष्क में तकलीफ है क्या उसके मस्तिष्क में एक तराजू है बादल को भी अच्छा रखना तराजू कैसे तराजू वही तोलने वाले तो पलने वाले एक तरफ ज्यादा बोझ है दूसरी तरफ खाली है इसीलिए ऐसा होता है उसको अच्छा नहीं लगता है बादल कहता है अरे वो माना करके घूमना चाहती है वो कहते हैं नहीं अरे बातचीत करते हैं उसी दौरान कमला मौसी आती है और डॉक्टर जब चले जाते हैं और कबीर दास को बहुत मानते हैं तो बादल को कहते हैं चलो मैं चलता हूँ बादल कहता है मैं आपके साथ चलूं अरे कौन किसके साथ जाता है कबीर दास कहकर गए अकेले आए हैं अकेले जाना ऐसा कहकर वो जाते हैं कमला मौसी आती है पूछती है कि मनीषी को क्या तकलीफ है फिर डॉक्टर मौसा कहते हैं कुछ नहीं है वो सिर्फ घूमने के लिए बीमारी का बहाना करके पड़ी है तो वो कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है वो तो तुम चले जाओ घूमने तो वो कहते हैं छुट्टी तो कमला मौसी तुरंत कहती है छुट्टी नहीं कि पैसे नहीं चलो मैं व्यवस्था करती हूँ छुट्टी लेकर आओ इतना और कहती है तुम नीचे आओ मैं तुम्हें खाना देती हूँ ऐसा कहकर वो चली जाती है और इतने में बादल भी नीचे खाना खाने जाता है इतने में उसकी सखी मंजू का प्रवेश होता है मंजू के सामने उसे कहा जाता है मंजू उसे कहती है क्या करूं मेरी माँ ने वाले मुझे चिंता होती है तो कि कोई बात नहीं तुम ऐसे करो तो कमला मौसी तुम्हें प्रेम करती है कि हाँ वो तो कमला मौसी को प्रेम के अलावा कर कुछ कर ही नहीं सकती तो तुम सारी बातें ऐसा करो उसको कमला मौसी को बता दो बातचीत करते कैसे तुम छोड़ो सब बता दो इतने में बादल आता है बादल और दोनों की बातचीत होती है हंसता है करे तुम अपने सहेली को समझाओ ना कुछ ऐसी क्यों रहती है तो भी व्यंग में मजाक में कहते हैं अब खुद बादल होकर मुझे सांत्वना देने के लिए कहते हो बादल कहता है हम बरसने वाले बादल नहीं हम गरजने वाले हैं और इसी के बीच हंस कर वो नौकरी के लिए चला जाता है मंजू भी चली जाती है इतने में कमला मौसी का प्रवेश होता है कमला मौसी से बातचीत के मुताबिक मनीषी कहती है कि कमला मौसी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ क्यों क्योंकि मुझे आपसे बात करने की बाद में करना कि नहीं अभी करना है कौन सी बात कि मेरी माँ मुझे मिलना चाहती है कमला मौसी साधारण था सामान्य था कह देती है तो मिल लूँ नहीं कैसे मिलूँ तुम्हारी माँ कहाँ है इसी शहर में मैं कैसे पता चला इसी शहर से मुझे 3 महीने से चिट्ठियाँ लिख रही है तो मिल लेना चाहिए नहीं मेरी कोई माँ नहीं है मैं अपनी माँ से मिलना नहीं चाहती वो तो स्वार्थी थी अपने सुख का देख रही थी तब कमला मौसी कहती है ऐसा किसने कहा कि क्यों तो मुझे छोड़कर चली गई अपने सुख के लिए तो कहती है कि बाबा ने कितना मना किया वो माने नहीं थी कमला मौसी कहती है कि उसने तुझे साथ ले जाना चाहा पर तुम्हारे बाबा माने नहीं मनीषी कहती है झूठ
ये बात झूठ है, उसने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। तो कहते क्यों, तुम भी तो अपने सुख को सोचती हो, उसने सोचा तुम कैसे पते, मैं उसको जानती हूँ। जरा कमला मुझसे कहते मुझे, मैंने कितना दुख झेला है, सभी बच्चे अपने माँ बाप को लेकर स्कूल में आते थे, तब मैं अकेले अकेले कोने में रोती थी, और तो और मुझे लोग वेश्या की बेटी तक कह देते थे। तब कमला मुझसे कहते नहीं, तो वो कहती है कि मासी तुम तो उसका पक्ष ले रहे हो कि नहीं, जिस पर आक्रमण किया जाता है उसका पक्ष में लेती हूँ, तुम्हारा पक्ष में नहीं लेता। फिर कहते हैं कि तो तुम्हारी माँ ऐसी नहीं थी, वो कमला मौसी कहते वो तो बहुत ही अच्छी स्त्री थी। तब वो कहते कैसी अच्छी थी, वो सती थी। तब वो कहते तुम्हारी माँ सती थी ना, साध्वी, बहुत ही अहम बात है संदर्भ के लिए, आइए थी तुम्हारी माँ सती थी न साध्वी, वह एक ऐसी स्त्री थी जो सती होने का ढोंग न रच सकी। स्पष्ट बात है, उनकी ससुराल वालों का मानना था कि इतने कम उम्र में विधवा हुई लड़की पूरी जिंदगी बैठे रहे और जो भी करे पर लोगों को लगे कि हाँ बेटा बेटा पालन किया, और जो स्त्री थी वो हर चीजें मानने के लिए तैयार रही कि लोगों को ढोंग करके दिखा करके ऐसा दिखाए कि पूरी जिंदगी वैधव्य का पालन किया। ऐसा कहती है, और वो कहती है कि चलो जो भी हो जाए तुम अपनी सब बात वालों को बता दो, और अब मुझे समझ में आया तुम्हारी बीमारी और इसका बहाना कि हाँ मुझे ऐसा डर है कि मेरी माँ मुझे मिलने आ जाएगी तो मेरे ससुराल वाले मुझे छोड़ देंगे, बादल मुझे छोड़ देगा। तो कहता है कि आपको पता है पहले भी इनकार कर रही थी मेरी सास को, आपके कहने से तो उसने स्वीकार किया है। तो कमला मौसी यही कहती है कोई बात नहीं, पर तुम बादल को बता दो, ऐसा करके वो चली जाती है। इतने में मन जो काफी, पर बोलती है कि मैं गलत हूँ, उसके मन में जो मानसिक स्थिति बताई है मनोविज्ञान, तो उसके मन में ऐसा होता है कि मुझे ही गलत ठहराया गया है, मैं ही ऐसी हूँ। इसके लिए वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और एक कहने के तुरंत बाद मंजू आते, मंजू कहते क्या नहीं हो सकता, तो मौसी ने तो मुझे ही गलत बताया और कहा कि उसे बता दो, बादल को सब बता दो। तो वो कहते हैं सही बात है ना, बादल को बता दो। इतने में बादल आता है, फिर कहता है, बादल कहता है कि मैं आ गया, चलो घूमने जाना है। मनुष्य मंजू कहते ले जाओ, कि हाँ सब कहने की बात है, कौन किसी को ले जाता है। इतने में वो कहता है, फिर वो मनीष जो मनुष्य पति बादल से कहते हैं तुम मुझे यहाँ से दूर ले चलो, वहाँ जहाँ पर कोई ना हो, हम एक दूसरे के सिवा हमारे दोनों का वापस यहाँ पर ना आना। बादल कहता है ऐसा कैसे संभव, कि हाँ वही करो, मैं यहाँ पे जीना नहीं चाहती क्योंकि मेरी माँ मुझे मिलना चाहती है, मेरी माँ आकर हमारा संसार खराब कर देगी, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि तुम्हारी वहाँ की, तो मिल लो ना। मुझे मौसी ने बताया कि नहीं, तो मैं मौसी ने सब बता दिया कि हाँ, पर मैं उससे मिलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरी माँ ऐसी होगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। तो कि नहीं, तुम नहीं चाहोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये वार्तालाप होता है, इतने में डॉक्टर मौसी का प्रवेश होता है। इसके आगे का हिस्सा मैंने अपने अगले वीडियो में पढ़ चुकी है। तो मित्रों तब तक के लिए धन्यवाद।